हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लाहौर से कराची की सैर कराऊंगा। लाहौर पहुंचते ही गर्म धूप ने हमारा इस्तकबाल किया। वेदर के हिसाब से कराची से लाहौर तक बारिश की पेशेंगोई की गई थी, मगर ऐसा कुछ भी ना था। मगर गाड़ी के खूबसूरत एसी और लाहौर के खूबसूरत नज़ारों ने हमें गर्मी का एहसास होने ना दिया। 1 घंटा 20 मिनट की ट्रैवल के बाद हम गुजरांवाला से लाहौर पहुँच गए। देखो भाई, मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है, तो जब तक मैं ट्रैवल ना करूं मुझे सुकून नहीं मिलता। और इस टाइम मैं लाहौर के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं और अंदर चल के देखते हैं इस स्टेशन पे देखने को क्या क्या है। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। स्टेशन में काफ़ी गहमा गहमी है। हर बार की तरह आज भी हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट थी। पाकिस्तान रेलवे की एक बात मुझे बहुत पसंद है, जब पूछें ट्रेन कब आएगी तो बस 15 मिनट। 15 मिनट करते करते हमें 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। तो दोस्तों, 4 घंटे के इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन स्टेशन पे आ गई। लाहौर की खूबसूरत और कदीमी इमारत ने हमें बोर ना होने दिया। लाहौर के दिल पसंद लोग अच्छे लिबास के साथ साथ अच्छा अखलाक भी रखते हैं, और सफ़र का आगाज़ होता है कराची का। छः घंटे ट्रैवल के बाद हमने पहला स्टॉप मुल्तान कैंट स्टेशन पे किया। मुल्तान के लोग ज़्यादा कुछ अखलाक ना थे। मैं आपको स्टेशन के कुछ व्यू दिखाता हूँ। सुबह के 11 बजे हम हैदराबाद स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पर दूर दूर तक बारिश का कोई नामोनिशान ना था। हमने हैदराबाद स्टेशन पे नाश्ता किया और मायूस हो गए, दोबारा ट्रेन में बैठ गए। हैदराबाद से निकलकर जब हम करली झील पहुंचे तो हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। एक साइड पे करली झील मौजूद थी और दूसरी साइड पे कराची बिजली घर मौजूद था। ठंडी हवाओं ने हमें वेलकम किया। करली झील गुजरने के बाद हमें बरसने वाले बादल दिखाई दिए। बादल को देखकर पूरे ट्रेन के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि बारिश में ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा है।
बारिश इस कदर तेज़ थी कि हमें खिड़कियां और दरवाज़े बंद करने पड़े और ट्रेन की रफ्तार भी काफ़ी कम हो चुकी थी। बच्चे और बड़े काफ़ी खुश थे और एक अल्फाज कह रहे थे और रोते गए, यहाँ चस बड़ी आई है। कराची रेलवे स्टेशन के बाद 3 से 4 फीट पानी मौजूद था और बारिश इतनी तेज थी। मौत देने वाला, इज्जत देने वाला, सिल्लत देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला। करने वाला, पैदा करने वाला, रिस्क देने वाला, मदद करने वाला, अता करने वाला, पैदा करने वाला, रिस्क देने